हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको जियो के एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो यहां पे आप देख सकते हो, जियो की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ, तो दोस्तों, अगर आप अपने जियो नंबर से किसी भी अदर ऑपरेटर के नंबर पर, जैसे कि एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन के नंबर पर अगर आप कॉल करते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जियो को चार्ज पे करना होगा। तो चलिए, मैं आपको यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ पढ़ के बताता हूँ कि आखिर जियो की तरफ से क्या अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, जियो परिवार के प्रिय सदस्य, मोबाइल कॉल संबंधित शुल्कों पर हो रहे रेगुलेटरी नीतिगत बदलाव के कारण जियो के पास अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो नॉन जियो मोबाइल वॉयस कॉल के लिए अपने ग्राहकों से शुल्क चार्ज करे। 10 अक्टूबर के बाद आप जब भी रिचार्ज करेंगे अपने नॉन जियो मोबाइल नंबर पर, सभी कॉल के लिए 6 पैसे मिनट का शुल्क लगेगा। आप नॉन जियो नंबर पर कॉल करने के लिए IUC टॉपअप वाउचर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, IUC जो है यहाँ जो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ IUC का, तो यहाँ पे IUC का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस। इसके बारे में और आपको आगे डिटेल में बताऊँगा, और इसके जो टॉपअप वाउचर्स यानी जो इनके प्लान है, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल दूंगा। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं लिखा हुआ, ये वाउचर न्यूनतम 10 रुपये की राशि से शुरू होंगे। आप पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े इसके लिए हम इसके एवज में आपको प्रत्येक 10 रुपये पर 1 GB अतिरिक्त डेटा बिल्कुल फ्री देंगे। जियो अपने ग्राहकों के लिए सदा प्रतिबद्ध है और जियो से जियो पर होने वाले कॉल पहले की तरह फ्री रहेंगे। जियो के नेटवर्क पर मुफ्त कॉल की इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप दूसरे को जियो परिवार में आमंत्रित कर सकते हैं। जियो के प्रति अपने समर्थन और विश्वास के लिए टीम धन्यवाद, टीम जियो। तो देख सकते हैं, मैं बिल्कुल जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ जो इन्होंने नया अनाउंसमेंट किया है। और चलिए, इसके बारे में और भी डिटेल आपको देता हूँ, आखिर ये ऐसे क्यों लागू किया गया है, किस लिए यहाँ पे आपको 6 पैसे प्रति मिनट के तौर से चार्ज दिया जाएगा, और इसके क्या आगे प्लान्स हैं, कितने से आपको रिचार्ज कराने पर क्या वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जियो की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया है, जहाँ पर मैं काफ़ी सारा यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है इसके बारे में कि क्यों, कैसे, क्या, कितने आपको चार्जेस किए जाएंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे जो मेन हेडलाइंस हैं इनके बारे में सबसे पहले आपको बता दूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिकवरी, यहाँ पे स्टेप टूवर्ड रिवर्सिंग इनेटेड रेगुलेशन ऑन IUC कम्प्लीट जियो टू रिकवर टर्मिनेशन चार्जेस ऑफ 6 पैसे पर मिनट फॉर मोबाइल वॉइस कॉल टू अदर ऑपरेटर। यानी कि जब आप अदर ऑपरेटर्स को कॉल करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ से 6 पैसे प्रति मिनट के दौर से चार्ज किया जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकवरी थ्रू IUC टॉपअप वाउचर, रिकवरी ऑफ टर्मिनेशन चार्जेस ओनली अंटिल द IUC चार्जेस इज मेड जीरो। ये चार्जेस आपको जियो को तब तक देना होगा जब तक यहाँ पे जो IUC चार्जेस है इसको जियो ट्राई बिल्कुल जीरो नहीं कर देता है। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ, कंज्यूमर विल गेट इक्विवेलेंट डाटा फॉर द वैल्यू ऑफ IUC टॉपअप वाउचर। यानी कि जो जियो के पहले प्लान थे, जो कि आप रिचार्ज कराते थे अपने 348 या जो भी उनके प्लान थे, वो उसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बस आपको अपने अदर कस्टमर यानी अदर ऑपरेटर को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे IUC टॉपअप कराना होगा, जिसके बारे में आगे अभी आपके इसके बारे में प्लान के बारे में आपको बताऊंगा। फिर यहाँ देख सकते हैं, नो इंक्रीज इन टैरिफ फॉर जियो कंज्यूमर, यानी कि जो टैरिफ है उसके में आपको कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये जो चार्जेस आपसे जियो की तरफ से लिए जाएंगे आपसे, ये ट्राई की तरफ से यहाँ पे एक उनके रूल में बदलाव किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, RS 0.06 पैसे पर मिनट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 टू द 31 दिसंबर 2019। यहाँ आप देख सकते हैं, ये 2 साल के लिए लागू किया गया था ट्राई की तरफ से, हालांकि हमें एक साल के लिए जियो की तरफ से ये फ्री दिया गया था। इसके लिए यहाँ पे जियो ने अदर्स यूज़र अदर ऑपरेटर्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर ऑपरेटर को यहाँ पे जियो ने ऑलरेडी, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को 13,500 करोड़ रुपये यहाँ पे IUC चार्जेस पे किए हैं पूरे 1 साल के लिए। अब इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए यहाँ पे जियो की तरफ से ये 3 महीने के लिए, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 2019, यानी कि 1 जनवरी 2020 से ये आपको तब चार्जेस जो है आपसे ये नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे इसी 2 साल के बाद अगर ट्राई इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है, तो आपको इसके लिए आगे चार्ज पे नहीं करना होगा। अगर ट्राई इस चीज़ को कंटिन्यू करता है अपने इस रूल को, तो फिर इसके लिए आपको इस जियो के चार्जेस आपको पे करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि इन्होंने ये भी लिख दिया कि IUC फॉर मोबाइल कॉल्स विल बी जीरो फ्रॉम 1 जनवरी 2020, हालांकि इसके बारे में ट्राई आगे विचार करेगा, फिर जाके कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पे आपको ये ट्राई नहीं वापस लेता, तब तक अब आपको यहाँ पे जियो को ये
IUC टॉपअप रिचार्ज आपको अपना कराना होगा, तभी आप अदर्स ऑपरेटर के नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये IUC चार्जेस तब तक लिए जाते हैं जैसे कि आप अपने जियो नंबर से किसी भी अदर नंबर पर कॉल करते हो और जितने भी इनकमिंग कॉल्स आपकी तरफ आते हैं या अदर ऑपरेटर्स के थ्रू और जितने कॉल आपके थ्रू जाते हैं अदर ऑपरेटर्स पे, तो अगर ये सारे कॉल्स बराबर होते हैं तो किसी भी कंपनी को एक दूसरे को पैसा नहीं देना होता। लेकिन अगर ये अगर सिर्फ यहाँ पे जियो के तरफ से ज़्यादा कॉल अदर ऑपरेटर्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ चार्ज देना होगा। बाकी आगे मैं आपको अगर डिटेल बताऊँ इसके प्लान्स के बारे में तो आप जाके देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप 10 रुपये का रिचार्ज कराते हो तो यहाँ पे आपको 124 मिनट आपको कॉल मिलेगा नॉन जियो मोबाइल पर, इसमें आपको 1 GB डाटा दिया जाएगा। फिर अगर आप 20 रुपये का रिचार्ज कराते हो तो यहाँ पे आपको 249 मिनट आपको कॉलिंग दी जाएगी, 2 GB डाटा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप 50 रुपये का रिचार्ज कराते हो तो यहाँ पे 656 यानी 656 मिनट आपको मिलेंगे अदर नॉन जियो यूजर के मोबाइल नंबर पे, और आपको यहाँ पे 5 GB डाटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 100 रुपये का रिचार्ज कराते हो तो आपको 1365 मिनट यानी 1362 मिनट आप अदर्स ऑपरेटर के नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो, यहाँ पे आपको 10 GB डाटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये जो है आपका ये जो टैरिफ है ये आपका तब तक वैलिड रहेगा जब 31 दिसंबर 2019 तक। अगर फिर यहाँ पे अगर ट्राई जो है IUC चार्जेस को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है तो फिर जियो ने यहाँ पे ये दावा किया है कि उस जैसे ही ट्राईज को इस नए रूल को फिर से ज़ीरो कर देता है तो इससे इसके बाद आपसे कोई भी IUC चार्जेस टॉपअप आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में जैसे पहले यूज़ करते थे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं जियो ने इसके बारे में हमें एक और खुशखबरी दी है कि जहाँ पे आप जियो टू जियो कॉल फ्री कर सकते हो, आपके जियो नंबर पे जितने भी इनकमिंग कॉल्स हैं वो सारे फ्री होंगे, जियो टू लैंडलाइन कॉल्स भी आपके बिल्कुल फ्री होंगे। अगर आप यहाँ पे फ़ोन करते हो कॉल मेड करते हो अपने व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी अदर ऐप के थ्रू तो उसमें भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे 5 पेजेस में लिखा हुआ था, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी कि क्यों चार्जेस लिए जा रहे हैं, कितने चार्जेस लिए जा रहे हैं और कितने प्लान्स में आपको कितने का IUC टॉपअप वाउचर रिचार्ज कराना होगा, तो उसमें आपको कितनी वैलिडिटी मिलेगी, क्या आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल दे दी है। तो दोस्तों बस वीडियो के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।